खबरें मंडराने लगे हैं, रंग बिरंगी तितलियां भी आने लगी हैं, कोयल मधुर गीत सुनाने लगी है, मोर भी नृत्य कर दिखाने लगे हैं, प्रकृति अपने रंग फैलाने लगी है क्योंकि बसंत पंचमी आने लगी है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। मे वी ऑल फ्लाई हाई एज अ काइट व्हेन द सीजन ऑफ नॉलेज एंड स्प्रिंग एंड फ्रेश एयर अराइव्स। बसंत पंचमी और वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द प्रिपरेशन फॉर अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिपरेशन फॉर होली दैट टेक्स प्लेस 40 डेज लेटर। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर ऑनर ऑफ माँ सरस्वती। दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स फुल ब्लूम एंड इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया इन वेरियस वेज, सच एज बाय वेयरिंग येलो कलर ड्रेसेस, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस एंड मच मोर। माँ सरस्वती इज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, आर्ट, म्यूजिक एंड लर्निंग। मे दिस ओकेजन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ सरस्वती टू अस एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। विद दिस नोट, आई एम हिमांशा कौर ऑन बिहाफ ऑफ अवर होल रेड रोज फैमिली वेलकम यू ऑल हियर एंड विशेज यू अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, ऐसी भी हम सब पर, हम सभी के हृदयों में मनोकामना है। मेरी अनुरोध है हमारी मैम से कि हम सबको प्रेरणा दे अपने शब्दों से। सरस्वती माँ की सत सत प्रणाम, और हमारे पूर्वज जो हम सभी को, सभी रेडियोस परिवार को हमेशा अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखते हैं, उन सबको सत सत प्रणाम। और
शिक्षकगण मिलके इस बसंत पंचमी के अवसर पर अपने हृदय से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला समय ईश्वर सबके लिए सुखदायी करे और ये जो महामारी का प्रकोप फैला हुआ है वो एकदम से सरस्वती माँ दूर भगा दे और ईश्वर की कृपा से अब सोमवार से आपका विद्यालय सभी विद्यालय खुलने जा रहे हैं और सरस्वती माँ से आशीर्वाद लेके हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को और सभी को आप शिक्षकगण ऐसी शिक्षा दें कि जिस तरह से वो इस महामारी को दूर भगाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ ऐसे कार्य करें कि वो ये महामारी दोबारा लौट के वापस ना आए। कविता सुनाएंगे आया बसंत।
कक्षा एक की छात्र हूँ। मेरा नाम ईशानी सिंह है। मैं आज आपको एक श्लोक सुनाने वाली हूँ। सरस्वती महाभाग्य विद्य कमलोच विद्य रूप विशाला सीधे विद्यां देहि नमस्ते ते। ए माँ पार्वती ज्ञानदात्री ज्ञानूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली सरस्वती मुझे विद्या दो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। Here, today's thought is education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future. I repeat it, education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future. Thank you and wish you all a very happy Vasant Panchami. A very marvelous good morning to one and all present here. Today I, Apurva Divedi of class 9, I'm going to speak some lesser-known facts on Vasant Panchami. Saraswati Puja is a traditional Balinese holiday that celebrated knowledge through the goddess Saraswati, who is a symbol of art, knowledge, learning and wisdom. People generally wear yellow dress as yellow color is associated with the spring festival and goddess Saraswati. Vasant Panchami is the beginning of a spring festive cycle and it ends with the celebration of Holi. It is celebrated as the harvest festival and the birthday of Deo Surya God in Bihar. Thank you and have a nice day ahead. सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। मेरे स्कूल का नाम रेडो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है।
सुप्रभात, मेरा नाम यशिका खरे है। मैं कक्षा 9A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष बसंत पंचमी पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। बसंत माह की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। इसको बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी देवी सरस्वती की पूजा आराधना के दिन के रूप में मनाया जाता है। मौसमी फलों, फूलों और चंदन से सरस्वती पूजा की जाती है। सरस्वती को अच्छे व्यवहार, बुद्धिमत्ता, आकर्षक व्यक्तित्व, संगीत एवं ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक भारतीय त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर तथा पीले रंग के पारंपरिक पकवान पकाए तथा खाए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों और अनेक काव्य ग्रंथों में भी इसका अलग अलग ढंग से चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 महीनों में बांटा गया है, बसंत लोगों का उनमें से सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है। जब फूलों पर बहार आती है, खेतों में सरसों के फूलों मानो सोने की तरह चमकने लगते हैं। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाती है। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहनी समायुक्ता माँ विद्या दान करो तुम्हें। धन्यवाद। Oh,
शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, तेरा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शार दे, माँ सरस्वती शार दे। Vasant Panchmi, also called Saraswati Puja in honor of Goddess Saraswati, is a festival that marks the preparation for the arrival of spring. The festival is celebrated by people in Indian subcontinent in various ways depending on the region. Some fly kites, some wear yellow attire and celebrate the festival with full zeal. Vasant Panchmi is made up of two words, Vasant and Panchmi. It refers to the fifth day of the spring. The Vasant Utsav on Panchmi is celebrated 40 days before spring. The color yellow holds great importance in the celebration of Vasant Panchmi. Goddess Saraswati is considered the goddess of knowledge, arts, wisdom and music. She is one of the cosmic conductors. May everyone's life dazzle and shine with the festival of Vasant. May Goddess Saraswati bless us always with knowledge and wisdom. Thank you. Good morning, everyone. We all are gathered here to celebrate the Vasant Panchmi. Vasant Panchmi
is a Hindu festival which is celebrated with great pomp and show across India on the fifth day, Panchmi Tithi, of the Hindu month of Magh Shukla Paksh. On this day, people across the country worship goddess Saraswati. The goddess of knowledge, music and art is worshipped. She is the one who gives us intellect and talent. We as dance academy, singing school, college, bow down to her and request her to bless us so that we learn and perform better to spread the joy of art and knowledge. Vasant Panchami is made up of two words, Vasant and Panchami. It refers to the fifth day of the spring season. Educational institutions celebrate the fest with zeal. Dance and Music Academy also perform floral and water offerings to the goddess Saraswati's idol. Vasant Panchami is annually celebrated for the arrival of the spring season. It also marks the preparation of Holika, which takes place after 40 days of the Vasant Panchami. Do you know, Vasant Panchami is also known as Saraswati Puja. Vasant Panchami brings the wealth of knowledge to you. May you be blessed by Goddess Saraswati and all your wishes come true. With the blessing of Ma Saraswati, may you succeed in eliminating ignorance and darkness from your life. I am extending my warm greetings and best wishes ahead of Vasant Panchami. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम परिधि मौर्य है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और कला की देवी हैं। इन्हें गायत्री, हंसवाहिनी, शारदा और भगवती के नामों से भी जाना जाता है। माता सरस्वती हंस पर विराजमान है। उनके हाथों में पुस्तक, वीणा और स्फटिक की माला सुशोभित होती है तथा वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का अपना एक महत्व होता है। आज इस बसंत पंचमी के पावन उत्सव पर मेरे मित्र संगीत की देवी माँ सरस्वती से जुड़ी हर वस्तु की उपयोगिता और महत्व के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए जानते हैं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती अपने हाथ में स्फटिक की माला धारण करती हैं। आज मैं आपको उसी स्फटिक की माला का महत्व बताने जा रही हूँ। स्फटिक की माला एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता और ध्यान के लिए स्फटिक की माला पहननी चाहिए। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के इस पावन उत्सव पर मैं आप सभी को पुस्तक का महत्व बताने जा रही हूँ। माँ सरस्वती अपने हाथों में पुस्तक धारण करती हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। उनके हाथों में पुस्तक संदेश देती है कि बिना पुस्तक के जीवन में कुछ नहीं। पुस्तकों से प्रेम और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। ज्ञानी व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। धन्यवाद। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हंस के महत्व के बारे में बताना जा रही हूँ। हंस माँ सरस्वती का वाहन है। हंस का रंग सफेद होता है। यह रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ सरस्वती को हंस वाहिनी भी कहते हैं। हंस को विवेक का प्रतीक कहा गया है। दूध और पानी को अलग करने की शक्ति हंस में होती है। यह प्रतीक हमें सही और गलत में फर्क करना बताता है और सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। धन्यवाद। देवी सर्व भूतेश्व बुद्धि रूपेण संसुता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेत रंग शांति और सादगी का प्रतीक माना जाता है। विद्या अध्ययन करने वाले लोगों को शांति और सादगी की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी को अवगत कराने जा रही हूँ कि माता सरस्वती के हाथों में जो वीणा
सुशोभित होती है उसका अपना क्या विशेष महत्व है। माँ के हाथों में वीणा होती है जो हमें कला के प्रति जागरूक कराती है। इंसान के अंदर अगर कला का बीज अंकुरित हो जाए तो वो कभी भी गलत विकार नहीं करता है। धन्यवाद। आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती को कमल बहुत ही प्रिय है। कमल कीचड़ में भले ही पैदा हो लेकिन वह बेदाग होता है। तमाम परिस्थितियों में रहने के बावजूद कमल अपनी छवि को बेदाग बनाने के लिए प्रेरित करता है। चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धका परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे गाने लगी हैं, मोर नृत्य कर इठलाने लगी हैं, प्रकृति अब अपने रंग भरने लगी है क्योंकि वसंत पंचमी की दस्तक अब होने लगी है। मैं रितिका मल्होत्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आई रे आई ऋतुराज है आई, चारों ओर वसंत बहार है छाई, कोयल की कुकू फैली है बाग में, पतझड़ बीता बहारें छाई है बाग में, भिनी भिनी सी ठंडक लगती है सुहानी, खेतों में लहराती सरसों और मक्का की बाली, हर तरफ है सुर संगीत का वादन, माता सरस्वती का संगीत में अभिवादन, ऐसी है वसंत ऋतु की सौगात, सजी है धरती पर सुहानी बारात। धन्यवाद।